नमस्कार, हमारा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज का जो हमारे बकायती का जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं। अब देखिए यार, ये चिड़ाई उड़ाई यहाँ कहाँ से आ रही है यार? भाग दी यार, हटाइए हटाइए उसको। हाँ तो हम क्या कह रहे थे? अच्छा हाँ, हमें कह रहे थे कि हमारा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, और आज का जो हमारा बकायती का जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है। अब ऐसा सब्जेक्ट है कि जो थी कोरोना और ओरोना की वजह से सब स्कूल स्कूल बंद हो गए हैं, तो सब बच्चे एकदम माँ अपने मोबाइल और लैपटॉप को द्रोणाचार्य मान लिए हैं, और बच्चे अपने आप को एकलव्य, तो जो है तो ये एकलव्य जो है तो मोबाइल को द्रोणाचार्य मान के ऐसा देखते हैं, ऐसा देखते हैं कि जैसे उसके अंदर कितनी विद्या घुसी है। अब उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप अब ये नहीं जानते हैं कि वो द्रोणाचार्य के चक्कर में मेनका को देख रहे हैं कि शूर्पणखा को देख रहे हैं, पूरा दिन उसी मोबाइल में लगे रहते हैं। देखिए लेकिन एक बात और है, अब बच्चे मोबाइल से पढ़ें ना पढ़ें ये सब उनकी जिम्मेदारी होती है और उनके पेरेंट्स लोगों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अभी हम एक दिन क्या बताएं, ये मोबाइल जो फेसबुक होता है, हाँ फेसबुक का सीढ़ी चढ़ रहे, ऐसे 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 वो आप लोग क्या कहते हैं, स्वाइप करते हैं, हम सीढ़ी चढ़ते हैं फेसबुक का। हाँ तो हम फेसबुक का सीढ़ी चढ़ रहे थे, तो हम ऐसे ही एक ठो फोटो देखे, उसमें एक जन नीचे कमेंट लगा था कि एक जन फोटो में ऐसा था कि यूट्यूब में एक जन मैडम पढ़ा रही थी और नीचे कमेंट लगा था कि मैडम जी जो है तो आपके बाल बड़े अच्छे हैं मैडम, आप ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे तो हम पूरा दिन आपसे पढ़ेंगे। ससुर मैडम वह साइन थीटा कास थीटा पढ़ा रहे हैं, वो बाल देख रहे हैं, पूरा दिन तुम बाल देखते रहोगे। नीचे एक कमेंट आया था कि मैडम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे तो हम IAS बन जाएंगे। बताइए तो लोग ऑनलाइन एजुकेशन में इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा और है, ऑनलाइन एजुकेशन से जो बच्चे हैं, बच्चे जो मोबाइल में पढ़ उड़ रहे हैं तो ठीक ही है, लेकिन बच्चे कुछ बच्चे एकदम बहुत परेशान हैं, और परेशान ऐसे हैं कि जो बच्चे स्कूल जाते थे साइकिल पंचर करने अपने पड़ोसी का, वो क्या करें हैं? जो बच्चे टिफिन खाने जाते थे वो क्या करें हैं? और जो बच्चे अपने जिन बच्चों का अपना स्कूल का ड्रेस पहनना बड़ा अच्छा लगता था वो क्या करें, उनके लिए बड़ी समस्या है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते थे कि स्कूल पहुंचे नहीं कि अपना टिफिन खोल लिए, उनके लिए तो बड़ी समस्या हो गई, उनको तो टिफिन उफिन मिल ही नहीं रहा है। और खासकर मम्मी लोग तो इसलिए परेशान है कि सुबह सुबह उठ के 6 बजे उठ करके बच्चों को स्कूल पहुंचा दिया करती थी, और पूरा दिन एकदम फुर्सत, पूरा दिन एकदम घूम रही, टीवी देख रही, कुछ कर रही। अब यहाँ पूरा दिन बच्चे घर पे रहते हैं, तो मम्मी लोगों के लिए परेशानी हो गई। और मास्टर अलग परेशान, मास्टर इसलिए परेशान कि भाई उनको मारने के लिए सेंटी का काम हो नहीं रहा, अब मोबाइल में बच्चे सुन ही नहीं रहे हैं। इधर मास्टर जी कह रहे हैं कि हाँ ये जो है साइन थीटा प्लस कास थीटा का ये फार्मूला होता है, और उधर बच्चे अपना साइन थीटा अलग कास थीटा बना रहे हैं, समझ रहे हैं। कहीं कोई बच्चा मैगी लिए बैठा तो कोई बच्चा कह रहा है कि सर हम अभी लेटरिन होकर के आते हैं, आप पढ़ाते रहिए। तो बताइए इस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है। अब देखिए कि कोरोना और ओरोना है तो इस वजह से शिक्षा का थोड़ा सा माध्यम एक बदल चुका है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन से इतना फायदा नहीं होने वाला है जितना पहले होता था, जितना स्कूल में जा कर के पढ़ने का फायदा है, हैं? अब देखिए संचार व्यवस्थाओं की वजह से जो हमारी सुविधाओं से इंसान को थोड़ी सहूलियत तो होती है, लेकिन उसके उतने ही नुकसान हैं। इसलिए जब स्कूल खुल जाएं तो बच्चों को स्कूल भेजें, स्कूल की तरफ पढ़ाई में ध्यान दें, उनको ऑनलाइन एजुकेशन तो करें ही, वो तो ठीक है, वो एक छोटा सा आपका एक पार्ट हो जाता है पढ़ाई का, लेकिन स्कूल भेजना ज़्यादा जरूरी, उससे शारीरिक भी विकास होता है, मानसिक भी विकास होता है। आदमी स्कूल सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं जाता, स्कूल में संपूर्ण विकास होता है। इसलिए हमारा आज यही कहना है कि विद्यालय के जो मास्टर लोग हैं वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन करें, ऑनलाइन एजुकेशन से अभी तो यही कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर विद्यालयों की पढ़ाई का ध्यान दें। तो आज की बकायती का असर हमारा यही था,
बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।